नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे मीठी रसाजें। आपने नमकीन रसाजें तो खाई होगी, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। लेकिन एक व्यूअर्स चंद्रमौली त्रिवेदी जी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें मीठी रसाजें बनाना बताइए, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनको और आप सभी लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं मीठी रसाजे बनाने। तो इसके लिए मैंने एक कप बेसन लिया हुआ है। आप कप से या गिलास से या कटोरी से मेजरमेंट ले कर सकते हैं। और मैंने चीनी ली हुई है, इलायची पाउडर लिया हुआ है, चावल का 2 चम्मच आटा लिया हुआ है और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। और करीब ये 750 ग्राम दूध है और घी लिया हुआ है, देसी घी है, क्योंकि हम ये रेसिपी हम देसी घी से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसन का बैटर बना लेते हैं। तो बेसन का बैटर बनाने के लिए मैंने जो बेसन को अच्छे से पहले छान लिया था, तो अब हमें 1 कप बेसन में 1.5 कप पानी डालना है। बस इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें और ना कम डालें। आप मेजरमेंट करके ही डालें, चाहे कटोरी से डालें या गिलास से करें या कप से करें। तो बस 1.5 कटोरी पानी मैंने देखिए डाला हुआ है, तो आप भी इसी मेजरमेंट से डालें। तो इससे क्या है कि जो मीठी रसाजें आपकी बनेंगी वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी और बहुत बढ़िया बनेंगी। तो हम अच्छे से इसको देखिए फेंट इस तरीके से फेंट लेते हैं और इसका बैटर बना लेते हैं। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अब हम गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं और उसमें हम ये बैटर को डाल देते हैं और बराबर हमें इसको चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, जिससे कि ये कच्चा ना रह जाए और अच्छे से ये पक जाए। तो देखिए हमें बराबर इसको चलाते रहना है जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े और ये तली में लगे ना। ये नॉनस्टिक कढ़ाई में बहुत बढ़िया बनता है, तो मैंने इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाया है। पर यदि आप लोहे की कढ़ाई में या किसी और कढ़ाई में बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नीचे घी लगा दें पहले, जिससे कि चिपके ना, और बराबर चलाते रहें। तो देखिए हमें इसको बराबर चलाना है और ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और इसको हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलाना है। ये यदि कच्चा रहेगा तो रसाजें अच्छी नहीं बनेंगी, तो इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है और इसको पकाने के लिए आपको धीमी आँच ही रखनी पड़ेगी। तो देखिए इसका बैटर अब तैयार हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो ये एक जगह देखिए सिमटने लगा है, आप देख सकते हैं कि ये एक जगह सिमटने लगा है, ये देखिए। तो हमें इसी तरीके एक बैटर चाहिए। तो गैस को हम कर देते हैं बंद। अब एक हम प्लेट लेते हैं, उसमें लगा देते हैं देसी घी। अब इसमें हम इस बैटर को डाल देते हैं। अब ये गरम है तो इसको सावधानी से फैलाएं, क्योंकि गरम गरम ये फैलाया जाएगा, ठंडा ठंडा नहीं फैलता है, तो इसको गरम गरम ही फैलाना है। तो देखिए पलटे में मैंने लगा लिया है देसी घी। अब इससे इस तरीके से दबा करके इसको हम पतला पतला फैलाएंगे, हमें मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इसका बैटर पतला रहेगा। रसाजें जो नमकीन बनती हैं, सब्जी बनती है, उसका बैटर थोड़ा सा मोटा रहता है, ठीक रहता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम फैला देंगे इसको। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पतला रखा हुआ है, तो ये ठंडा हो गया है, हाथ से अच्छे से फैल जाएगा। तो देखिए मैंने फैला दिया है, कुछ इसी तरीके का चाहिए। तो अब ये ठंडा हो गया है तो इसके पीसेस कर लेते हैं। इसके पीसेस बड़े बड़े नहीं करने हैं, इसके पीसेस छोटे छोटे करने हैं, जैसे खुरमे होते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो बस इस तरीके से हम इसके काट लेंगे। जो रसाजियाँ जो बनती हैं, सब्जी बनती है, उसमें थोड़ी सी बड़े बड़े पीसेस होते हैं, पर इसमें थोड़े छोटे पीसेस रखे जाएंगे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके के पीसेस रखे हुए हैं और इसको अच्छे से काट लेंगे और ये बढ़िया से कट जाएगा, इसको काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये बढ़िया से इस तरीके के पीसेस तैयार हैं, बस हमें इसी तरीके के पीसेस चाहिए। देखिए पतले बने हैं, मोटे नहीं हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया से पीसेस हमारे निकल आए।
तो बस इसी तरीके से पीसेस हमें सब निकाल लेने हैं। ये आराम से निकल आते हैं, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है और बढ़िया से निकल आते हैं। तो एक एक करके हमें देखिए इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए ये खुरमे से थोड़े से बड़े हैं और पतले रखने हैं, मोटे बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। तो हमें सब इस तरीके से निकाल लेने हैं। तो देखिए मैंने ये सब निकाल लिए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। अब आप अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो अब हम कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें डाल देते हैं देसी घी। हम देसी घी से इसको बनाएंगे। ऑयल से ये अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन आप बना सकते हैं रिफाइंड से, पर ये देसी घी में ही बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए देसी घी बढ़िया से गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम ये पीसेस डाल देते हैं। अच्छे से गर्म कर लेना है पहले देसी घी। आप देख सकते हैं कि देसी घी हमारा ये अच्छे से गर्म हो गया है और इसको हमें कुछ इस तरीके से भून लेनी है। ये आसानी से फ्राई हो जाएंगी। बस आप जब बैटर बनाएं तो ध्यान रखें कि एक कटोरी में डेढ़ कटोरी ही पानी डालना है। बस इसी तरीके से बैटर बनाएं तो आपकी रसाजें बहुत अच्छी बनेंगी। यदि पानी ज़्यादा हो गया तो ख़राब हो जाएंगी और यदि कम रहा तो भी सही नहीं बनेंगी। तो परफेक्ट मेजरमेंट मैंने बताया है, तो आपको बस इसी तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से मैंने सब ये भून ली है। इसी तरीके से आपको भी भून लेना है, फ्राई कर लेना है। ये अच्छे से फ्राई हो गई और थोड़े से ही देसी घी में निकल आएंगी। इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है यदि इस तरीके से बनेगी। तो बस हम सब इसी तरीके से बना करके निकाल लेते हैं। ये देखिए मुलायम बनी है और बहुत अच्छी सी बनी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मुलायम बनी है। तो हमें इसी तरीके की चाहिए थी, इसमें घी भी ज़्यादा नहीं लगा है। अब हम पैन लेते हैं, उसमें डाल देते हैं 750 ग्राम दूध। ये फुल क्रीम मिल्क है, पानी वाला मिल्क ना लें, फुल क्रीम का लें। और इसको बराबर चलाते हुए थोड़ा पकाएंगे। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम चावल का घोल तैयार कर लेते। तो मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है चावल का आटा। तो 750 ग्राम दूध में मैंने 2 चम्मच आटा लिया हुआ है। ये स्टील का चम्मच है, आप देख सकते हैं। तो थोड़े से दूध में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया सा बन गया है। अब हम ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी काट देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और बीच बीच में उसको हम चलाते रहेंगे जिससे कि लगे ना। तो हम इस तरीके से सब ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे। मैंने इसमें बादाम लिया है, किशमिश ली है, चिरौंजी ली हुई है। आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए कुछ हमें काट लेने हैं तो हम काट लेंगे। अब देखिए दूध बढ़िया से उबल रहा है और थोड़ा सा कम भी हो गया है। तो अब इसमें हम जो चावल का बैटर बनाया है उसको डाल देंगे और इसको धीरे धीरे डालेंगे। हमें एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, बराबर हमें चलाते रहना है जिससे कि लम्स ना पड़े और ये बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से ही इसको बनाना है। और ये इस तरीके से यदि हम ये मीठी रसाजें बनाएंगे तो ये बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अब इसमें हम डाल देते हैं इलायची पाउडर। मैंने इलायची को चीनी में पीस लिया है तो इसको डाल देते हैं। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालें कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। यदि ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा चीनी डालें और यदि थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी कम डालें। तो देखिए बढ़िया सा ये पक रहा है, गाढ़ा हो रहा दूध। तो हमें थोड़ा इसको और गाढ़ा करना है। तो इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काटे हुए हैं। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स में डाल सकते हैं। इसको बराबर चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, हाई नहीं रखा ना लो रखा है। तो देखिए बढ़िया सा दूध गाढ़ा हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं ये रसाजें और डालने के बाद हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। तो देखिए अब ये डालने के बाद दूध और गाढ़ा हो जाएगा।
क्योंकि ये सोख लेती हैं दूध जो मैंने रसाजे बनाई है। तो इस तो देखिए बढ़िया सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये बुंदेलखंड की रेसिपी है, बघेलखंड की रेसिपी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको और चंद्रमौली त्रिवेदी जी आपको भी ये पसंद आएगी। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी की। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस इस तरीके से हम रसाजे बना लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत बढ़िया बनी है। तो ये नमस्कार।